मेरा कोविड टेस्ट कर रहे हैं, अब पता नहीं यार पॉजिटिव ना है यार। अब पॉजिटिव आ गया तो यार इंडिया आना पड़ेगा वापिस यार। और भाई लोगों क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। चल आज के वीडियो में बातें करते हैं। आज बताऊं क्या हुआ यार, मेरे को ना थोड़ी प्रॉब्लम आ गई। अब प्रॉब्लम क्या आ गई, मेरे ना पेट में एकदम से पेन हो गया रात को, और थोड़ी ब्रीदिंग लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत सी हो गई। पता नहीं रात को सो रहा था एकदम से ऐसा हो गया, मुझे लग रहा है मेरी बीपी हाई हो गई या लो हो गई, पता नहीं क्या हुआ। अब इस चक्कर में मैंने आज मेरा ऑफ था तो मैं ना हॉस्पिटल में जा रहा हूँ। अब यहाँ पर तुमको बता देता हूँ प्रोसेस क्या होता है। मतलब मान लो आपको यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आती है, आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी चीज़ को, ठीक है, तो आप यहाँ पर डॉक्टर वगैरह नहीं होते। मतलब ऐसी जनरली यहाँ पर डॉक्टर नहीं होते जैसे इंडिया में होते हैं ना, कि भाई थोड़ी सी कुछ बुखार उखार हो गया तो डॉक्टर को जाके चेकअप करवा लो, बंगाली डॉक्टर है सामने, ऐसा यहाँ पर है ही नहीं। अब मैं भी परेशान हो गया यार, मैं भी सोचा चलो छोटे से चले जाता हूँ क्लिनिक में और वहाँ पर जाके अपना चेकअप करवा लूँगा। तो भाई मैंने ढूंढा, मेरे को मिला नहीं, और फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं दुकान में जाता हूँ, कोई मेडिकल शॉप में जाता हूँ और वहाँ जाने के बाद ना दवाई वगैरह ले लूँगा। तो मैं वहाँ पर गया और वहाँ पर जाने के बाद मेरे को मना कर दिया उन्होंने, बोला भाई मेडिसिन वगैरह ऐसे मिल नहीं सकती आपको यहाँ पर, आपको पहले हॉस्पिटल में जाके चेकअप करवाना पड़ेगा, उसके बाद आपको एक स्लिप मिलेगी मेडिकल की, फिर आपको मेडिसिन मिल सकती है, ठीक है। अब मैंने बोला भाई ऐसा कुछ सीन है, तो मैंने बोला ये प्रॉब्लम तो और लोगों को भी आ सकती है जो यहाँ पर रह रहा है जिसको पता नहीं है, तो इस चक्कर में मैं वीडियो बना रहा हूँ और आपको बताऊँगा आगे क्या क्या प्रोसेस है इस चीज़ का। और मैं यहाँ पर जा रहा हूँ क्राइस्ट चर्च में 24/7 सर्जरी हॉस्पिटल में, ठीक है, अपना चेकअप करवाने के लिए, और तुमको बताऊँगा क्या क्या प्रोसेस है चेकअप करवाने का, कितनी फीस लगी मेरी और कितना चार्ज वगैरह लगा, ठीक है। चलो फिर चलते हैं आगे, जब तक ये देखो तुम, ये लोकेशन है कुछ ऐसी, ठीक है। एक और चीज़ बता देता हूँ आपको, आप मान लो चेकअप करवाने जा रहे हो हॉस्पिटल में यहाँ पर, तो आपने अपने पास ना डॉक्यूमेंट रखना, अपना वीज़ा होना चाहिए आपके पास, या फ़ोन में रखना, और अपना पासपोर्ट भी कैरी कर लेना अपने साथ, ठीक है, नहीं तो कोई ड्राइविंग लाइसेंस कोई प्रूफ होना चाहिए, ठीक है, अपने साथ लेके रखना। मैंने ये पढ़ा था नेट में, बता रहा हूँ आपको, मैं भी लेके आ रहा हूँ साथ में, मेरे पास है। देखो हम पहुँच गए हेरा 24/7, देखो 24 आवर्स सर्जरी करके, ये है क्राइस्ट चर्च लोकेशन में, क्राइस्ट चर्च सिटी में है। अब मैं इसके अंदर जाऊंगा और तुमको बताऊंगा कि कैसे कैसे प्रोसेस होता है यहाँ पर मेडिकल चेकअप का। जैसे ही मैं अंदर पहुँचा तो मेरे को ना पहले इन्होंने बोला कि प्रॉब्लम क्या है आपको, तो मैंने प्रॉब्लम बताई अपनी, तो मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ और उसके बाद फिर पता नहीं कहाँ लेके जाएंगे ये देखते हैं। उसके बाद नर्स ले गई मेरे को ECG करने के लिए और ब्लड टेस्ट करने के लिए, और मेरे को लिटा दिया ECG के लिए। और फिर क्या हुआ पता है, फिर हुआ उसके बाद वो बोले कि तुम्हारा कोविड का भी टेस्ट होगा तो आप वेट करो और कोविड का टेस्ट करेंगे, यार भगवान की दुआ से यार पॉजिटिव ना है यार, बस कोई नहीं चलो। उसके बाद मेरा ब्लड टेस्ट कर रहे हैं, ब्लड टेस्ट भी कर लिया इन्होंने मेरा, और उसके बाद फिर रिपोर्ट मैं बताता हूँ तुमको आगे वीडियो में। मैं थोड़ा वेट करने लग गया, ब्लड टेस्ट हो गया मेरा, ECG हो गया, बस भगवान की दुआ से पॉजिटिव ना आए मेरा, और पॉजिटिव आया भी नहीं मेरा, ठीक है, और पॉजिटिव नहीं आया, नेगेटिव ही आया मेरा, ठीक है। और मैं सोच रहा था पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा, मगर नेगेटिव आया मेरा कोरोना, ठीक है। और ब्लड टेस्ट ले गए, अब पता नहीं देखते हैं, आगे बताता हूँ उनको वीडियो में क्या क्या हुआ। मैं निकल गया हॉस्पिटल से और अभी तुमको बताता हूँ क्या क्या हुआ अंदर, ठीक है, आपको बताता हूँ अंदर क्या क्या हुआ मेरे साथ। और मैंने थोड़ा सा बता दिया तुमको, और अभी तुमको बताता हूँ कितना चार्ज लगा मेरा। और चार्ज लगने से पहले मैं बताता हूँ, मेरे को ना मेडिसिन मिली यहाँ पर, कुछ भी नहीं मिला, ठीक है, वो जस्ट बोले कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आएगी उसके बाद हम आपको बताएंगे आपको मेडिसिन लेनी है या नहीं लेनी, ठीक है। अभी तक मेरे को कुछ नहीं मिला मेडिसिन, अब तुमको बता देता हूँ कितना चार्ज लगा मेरा। ये देखो, ये दिखाता हूँ मैं आपको, मेरे को 26 अप्रैल 2023 है, और चार्ज लगा मेरे को, ECG कराई इन्होंने खाली मेरा, $100 लग गए टोटल, ठीक है, और ब्लड टेस्ट, ये देखो ऐसा कुछ है, ब्लड टेस्ट और ECG के $100 लग गए। अभी रिपोर्ट नहीं आई, जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद बताएंगे, कुछ कमी होगी तो मेडिसिन देंगे, कुछ कमी नहीं होगी तो भाई क्या देंगे पता नहीं। लिटरली ना मैंने ये वीडियोस के लिए बनाई कि ना आप जब किसी भी कंट्री से आ रहे हो, अपनी कंट्री से आ रहे हो न्यूजीलैंड में, तो आप ना जैसे आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम है, मेडिसिन आपको लेनी पड़ती है रेगुलरली, तो आप वहीं से लेके आओ थोड़ी बहुत, ठीक है। आप यहाँ पर जैसे मैंने टेस्ट कराया, यहाँ पर एकदम से ना
मतलब हर चीज मेडिसिन नहीं मिलती, आप रोड पे जाके या मतलब किसी भी मेडिसिन शॉप में नहीं ले सकते, टेस्ट कराने पड़ते जैसे मैंने कराया है। अब मेरे को ये रिजल्ट बताएंगे उसके बाद मेरे को मेडिसिन लेनी पड़ेगी। अभी मेरा खाली बस थोड़ी ब्रीदिंग लेने में दिक्कत हो रही थी, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी मेरे को हल्की सी, और मेरा पेट भी ठीक नहीं था, तो इस चक्कर में मैंने सोचा चलो टेस्ट करा लेता हूँ। अब इन्होंने बोला तो बिल्कुल ठीक हो, फिट हो बिल्कुल ही, खाली मैं आपको ब्लड टेस्ट कर देते हैं, ECG कर दिया, वो ठीक निकला, सब कुछ ठीक निकला। अब भाई कह रहे हैं कि भाई अब ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आएगी, उसके बाद हम आपको मेडिसिन बताएंगे। मैंने बोला भाई ठीक है भाई, अब फिर इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें, आप अपनी कंट्री से मतलब अपनी होम कंट्री से आ रहे हो तो ये सारी चीज़ें लेके आना, ठीक है, मेडिसिन वगैरह लेके आना, छोटी मोटी डिस्प्रिन की गोली हो गई और पैरासीटामोल हो गया, और मतलब जो बुखार की होती है खांसी जुकाम पेट दर्द, इनकी मेडिसिन थोड़ी बहुत लेके आ जाना, ठीक है, यहाँ पर दिक्कत होती है मेडिसिन लेने में। चलो जैसे मेरे को हो रही है अभी, देखो थोड़ा सा पेट में ख़राब हो रखा है, अब मैंने यार क्या मेडिसिन ही नहीं मिल रही, क्या करूं? अब हॉस्पिटल में जाना पड़ा है, चेकअप करवा रहा हूं। चलो तो ये वीडियो आपको थोड़ी हेल्पफुल लगी होगी तो तो क्या सब्सक्राइब कर देना यार चैनल, ठीक है, और आपको और मतलब यहाँ के बारे में जानकारी चाहिए क्या, कौन सी जानकारी चाहिए, मान लो आपको यहाँ पर बस रूट वगैरह नहीं मालूम कैसे कैसे वो बस में चढ़ना है, तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, चलो मिलते हैं फिर उस वीडियो में।